केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 26,011 नए मामले, 19,519 मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड 12 दिन में 1523 शवों का अंतिम संस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों में कोविड के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है, इन राज्यों को जरूरी मानक अपनाने चाहिए। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। अंधविश्वास, डीएम के चुनाव जीती तो महिला ने काट दी अपनी जीभ, लिखकर बताया संकल्प पूरा हुआ। चंडीगढ़ में भी लगा लॉकडाउन, हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर बड़ी पाबंदियां। संभल जाएं, कोरोना जांच के लिए बार बार सिटी स्कैन कराना घातक, बढ़ सकता है कैंसर का खतरा। जल्द जारी होगा आदेश, यूपी के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, मानदेय में 25% की बढ़ोतरी। एटा, चुनाव हारने वाले प्रत्याशी के समर्थकों ने किया भाजपा विधायक के आवास पर हमला, तोड़फोड़। रेवाड़ी, कोरोना संक्रमित पूर्व एसडीओ ने दी जान, सामान्य अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदे। खुलासा, दुनिया के सबसे बड़े डार्कनेट चाइल्ड पोर्न नेटवर्क का भंडाफोड़, 4,00,000 लोग थे इसके सदस्य। शेयर बाजार, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन स्पॉट स्तर पर बंद हुआ बाजार, 39,000 के नीचे सेंसेक्स। लॉकडाउन, मेट्रो के यात्री ध्यान दें, मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से रात 8 बजे के दौरान हर 15 मिनट के अंतराल में उपलब्ध होगी, जबकि बाकी के समय यात्रियों को मेट्रो के लिए स्टेशन पर 30 मिनट का इंतजार करना होगा। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.